शहर के फतेहपुरिया क्षेत्र निवासी एडवोकेट हजरत काठात की हत्या के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही राजस्थान सरकार से मुआवजा दिलवाए जाने तथा आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर अड़ गए। बाद में प्रशासन द्वारा परिजनों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद माने परिजनों ने मृतक के शव को उठाया। उसके बाद मृतक के जनाजे को पैतृक गाँव चित्ताड़ ले जाया गया, जहाँ उसके शव को सुपुर्द खाक किया गया। परिजनों की मांग को लेकर कांग्रेस नेता मनोज चौहान, पप्पू करबला, हुसैन इकबाल, दीपू काठा, शौकत इस्माइल काठा तथा अशरफ काठा आदि ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह से मिलकर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि दिलाए जाने तथा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ज्ञात रहे कि कुछ लोगों ने एडवोकेट हजरत काठात की बुधवार गुरुवार मध्यरात्रि में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने कुछ लोगों पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या का संदेह भी जताया। साथ ही उक्त वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हो गई। एक बार की समझाइश के बाद गुरुवार को परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया, लेकिन शव नहीं लेकर गए। शुक्रवार को शव लेने पहुंचे परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने एवं मुआवजा की मांग रखी, जिस पर पुलिस प्रशासन एवं पुलिस ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनकी ओर से कार्यवाही जारी है, आरोपियों को जल्द ही पुलिस बेनकाब करेगी। वहीं प्रशासन ने नियमानुसार मुआवजा आदि के लिए कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिस पर परिजन सहमत हुए एवं शव को लेकर पैतृक गाँव चित्ताड़ के लिए रवाना हुए, जहाँ एडवोकेट हजरत के शव को सुपुर्द खाक किया गया।